संभालिए मिसेस शर्मा अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ अगर ऐसा होता तो पता नहीं मैं क्या करता। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या है? शर्मा जी का ऑपरेशन होने वाला था, इसके लिए उन्होंने अपने गहने बेच के पैसे इकट्ठे किए थे, करीबन 15 लाख, लेकिन वो भी कम पड़ रहे थे। इसलिए किसी ने बताया कि ये इन्वेस्ट कर दो तो 2 महीने में डबल हो जाएंगे, और उन्होंने पूरे वो 15 लाख रुपए इंश्योरेंस एजेंट को दे दिए। फिर वो इंश्योरेंस एजेंट तो रातों रात गायब, कोई अता पता नहीं, फोन भी बंद। बेचारे मिस्टर शर्मा जी का ऑपरेशन भी नहीं हो पाया, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया तो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। बेचारी सुबह सुबह अपना मन हल्का करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। ये तो वो खुराना जी वाले केस जैसा हुआ। सारे शहर में इस ठग ने आतंक मचा रखा है, उसका चेहरा किसी ने भी ठीक से नहीं देखा। वो अपना हर शिकार बहुत सोच समझ के चुनता है, और अपने हर शिकार से एक अलग ही भेष में मिलता है। और अब तक उसका शिकार होने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो, और वो इंसान की इसी मजबूरी का फायदा उठाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही सुना था उसने एक विधवा की सारी पूंजी धोखे से हत्या ली, और सदमे में उस औरत ने आत्महत्या कर ली। वो इंसानों का तो खून नहीं करता, पर उनके अरमानों, उनकी मजबूरी का कुछ ऐसा फायदा उठाता है कि वो खुद अपनी जान दे देते हैं। इस बीमारी ने तो पहले ही हमसे सब कुछ छीन लिया था, और जो इलाज के लिए रखा था वो भी हमसे छीन के ले गया। ऊपर वाले ऐसा मजाक किसी के साथ ना करे, लेकिन ये सब मेरी गलती है, और उसकी सजा इन्हें मिल रही है। देखिए आंटी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो अंकल का ध्यान कौन रखेगा? भरोसा रखिए हम पे। कौन हो तुम लोग क्या कर लोगे? पहले भी उस पे भरोसा किया था जो हमारा सब कुछ छीन के ले गया। तुम डॉक्टर हो या तुम भगवान हो जो इनकी बीमारी ठीक कर दोगे? देखिए आंटी, ना तो हम भगवान और ना ही डॉक्टर, लेकिन आपसे एक वादा करता हूं कि आपके साथ जो हुआ उसका इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखिए हम पर। यार ये बंदा कभी एजेंट बनता है, कभी ढोंगी बाबा बनता है, पता नहीं कितने लोगों को धोखे दे चुका है। और साला सिर्फ शातिर नहीं, बहुत चालाक भी है। हर किसी को अलग अलग जाल में फंसाता है। इसको पकड़ेंगे कैसे समझ में ही नहीं आ रहा यार। एक ही तरीका है, हम इसी के जाल में इसी को फंसाएंगे। इस जैकेट में तो तू छा गया शेरा, तेरे अंदर भी टशन कूट-कूट के भरी है। ये जैकेट मेरी नहीं है, अंजलि के डैड की। वो चाहती थी कि मैं इसे पहनूं, तो बस। खैर एक बात बता, तुझे लगता है वो हमारे प्लान में फंस जाएगा? पर जैकेट अंजलि के डैड का है ना, आइडिया तो तेरा ही है, तो बेस्ट ही होगा। फिर भी यार रिस्क। ओए कैसा रिस्क शेरा, अब तो वैसे भी आता ही होगा, और फिर हम उसे फंसा लेंगे। फिर भी एक ऐसा इंसान जो इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के इतना सारा पैसा हत्या चुका है, मुझे लगता है हमारी बातों में आकर 20 लाख रुपए हमें दे देगा। वो देगा कैसे नहीं, ऑफ कोर्स वाली बात है, देगा। और तू है ना लास्ट टाइम पे ऐसे नर्वस मत हो, और थोड़ा भरोसा रॉबिन हुड पे भी रखे यार। आई एम सॉरी, मैं पीछे वाली टेबल पर बैठा था और जाने अनजाने में मैंने आपकी पर्सनल बातें सुन ली। वेल, मुझे लगता है मैं आपके फ्रेंड को मनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी पहचान? जी, मैं मकरन। पर भाई तुम हमारी मदद क्यों करोगे? क्यों नहीं कर सकता? अब किसी की मदद करना गुनाह थोड़ी ना है, और वैसे भी मैं फ्री करने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सौदे की बात कर रहा हूँ। क्यों हम आपके साथ हाथ मिला के काम क्यों करें? नौसिखिए हो इसलिए। सबके सामने खुले आम जो बंदा किसी से 20 लाख ऐंठने की बात कर रहा हो, वो इस खेल का एक नया खिलाड़ी ही हो सकता है। तो भाई हम तो नौसिखिए हैं मान लिया, पर तुम कहाँ के तुर्रम खान हो हमें भी बता दो। चलिए दिखाते हैं आपको। वैसे मैं कोई तुर्रम खान तो नहीं हूं, लेकिन छोटा मोटा खिलाड़ी जरूर हूं। कभी आईटी ऑफिसर बनके बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों से लाखों का माल जब्त किया, तो कभी डॉक्टर बनके ऑपरेशन के लिए 10-15 लाख। वेल, छोटा बिजनेस है मेरा, लेकिन आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अब बस कुछ दिन पहले ही मैंने एक बुढ़िया को चूना लगा दिया। मैम, रमेश छपेकर जी के लिए पार्सल है। पर वो तो गुजर चुके हैं। I'm so sorry मैम। मैम कोई गलती हो गई होगी, I'm sorry। मैं ऐसे कंपनी में वापस दे दूंगा। शायद उन्होंने ऑर्डर किया होगा, मैं ले लेती हूँ। मैम इसके 5000 रुपए होंगे। 5000? अभी आते। जी थैंक यू। अब यकीन आया तुम दोनों को? Excuse me. अरे अरे घबराओ मत, बस दिखा रहा हूं तुम दोनों को। ये देखो, उदयपुर के राजघराने का है, सीधे महाराजा के ड्राइंग रूम से गुल किया है। दिखा भाई एक मिनट। सीधे महाराजा के नाक के नीचे से हीरा है भाई, हीरा। अब एकदम एक नंबर। अब लगता है हमने एक सही डील की, एक सही आदमी से हाथ मिलाया। लेकिन एक बात और, उस आदमी से जो पैसे हम निकालेंगे वो 3 हिस्सों में बटेगा। चलो तुम दोनों बोल रहे हो तो मैं हाँ कर देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम मस्त होगी। तो तुम्हारा प्लान क्या है? है एक आदमी, गुजराती, एनआरआई, करसन भाई नाम है उसका। बहुत बड़ी मछली है और बहुत तेज भी। उसका भी वही काम है जो तुम बरसों से कर रहे हो और जो हम करने जा रहे हैं, यानी लोगों को पट्टी पड़ा के पैसे ऐंठता है वो। उसके साथ डील करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन जैसा तुमने कहा काम में सिर्फ पैसा नहीं, मजा भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, वो पुरानी कारीगरी वाली चीजें इस देश से बाहर स्मगल करता है बहुत बड़े दाम पर, और वो इस होटल में आज आ रहा है। इस आदमी को चूना लगाने के लिए हमें एक औरत की मदद लेनी होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम फिर से मेरे कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगा रहे हो, नॉट फेयर। ओए सिमी, तेरे जैसा हसीन कंधा ना पूरी मुंबई में किसी के पास नहीं है, तो थोड़ी मदद कर देना, ऐसे अड़ंगी मत मारे यार। देखो सिमी होगी तुम्हारी ताई, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाली। और हल्लू, मेरी सेफ्टी की क्या गारंटी है? और अगर तुम्हारे वो करसन भाई हमारी बकवास बातों में नहीं फंसे तो मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। श्योर? गारंटी? वाह सिमी वाह, देख ली तेरी दोस्ती। तुझे इतनी देर से मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ जान ना पहचान, और तू एक अनजान की गारंटी पे मान गई। करसन भाई से मिलने सिर्फ मैं और सिमरन जाएंगे। हम दोनों को एक साथ देखकर उसे लगेगा कि हम एक कपल हैं। सिमरन की बातों में तो कोई भी फंस जाएगा, करसन भाई क्या चीज है। सिमरन धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाएगी और बस हम अपना प्लान वहीं पे निपटा देंगे। आंखें भी ना 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 ना। ओ कैफ्रियल, बसलामा। Take this. Oh, nice hotel. You the owner of this place? Thank you. करसन भाई, काफी लंबा सफर रहा होगा आपका लंदन से, थक गए होंगे आप? नहीं तो। Good. मेरा नाम परेश है और ये मेरी वाइफ अनीता। एक मिनट यार, तुम पहचान करने आए हो या कोई धंधे की बात करने आए? अगर मैं कहूं दोनों। अब आपके साथ धंधा करते करते आपके साथ जान पहचान तो हो ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। कैसा काम? वही काम जिसे आप करने इतनी दूर से हमारे देश आए हैं, उस काम में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है तो? करसन भाई, मुझे लगता है ये आपकी अमानत है, पता नहीं मेरे पास कैसे आ गई। वेरी स्मार्ट। मेरे ख्याल से हमें कमरे में चलकर बात करनी चाहिए, राइट? बात क्या हुई? मान गए और क्या। सिमरन ने उन्हें उस मुकुट के बारे में बताया, कुछ तस्वीरें दिखाई और बस वो उस मुकुट को खरीदने के लिए तैयार हो गए। पर मेरे भाई, वो मुकुट हमें मिलेगा कैसे? नवरात्रि में इंदौर के एक मंदिर में दुर्गा देवी को वो सोने का मुकुट पहनाया जाता है। तो इसका मतलब हमें इंदौर जाना होगा? नहीं, हमें इंदौर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुकुट यही है मुंबई में। मिसेस गायकवाड़ मंदिर की ट्रस्टी, उन्होंने अपने पास वो मुकुट संभाल के रखा हुआ है। हमें मिसेस गायकवाड़ से मिलकर उस मुकुट के बारे में सब कुछ जानना होगा। और भाई, आज रात ही उसे पार कर लेंगे हम लोग। हम ठग हैं करण, चीजों को गायब करते, मुस्कुराते नहीं। हम आईटी डिपार्टमेंट से, मैं हूं परेश और यह है अनिल। हिंदुस्तान के सारे मंदिरों की महंगी चीजें, सोना चांदी, गहने, इन सब की एक लिस्ट बना रहे और इसी सिलसिले में हम यहाँ आए। इंदौर के प्रसिद्ध देवी दुर्गा माता मंदिर की ट्रस्टी आप ही हैं? हाँ जी। वो बेशकीमती मुकुट जो माता पर हर नवरात्रि पर चढ़ाया जाता है वो आपके पास है? हमें बस उसकी कुछ मेजरमेंट्स और फोटोग्राफ्स लेनी है। जी थैंक यू। मान गई। वाह क्या नकल की है, बिल्कुल सेम टू सेम लगता है। कहीं ये वही वाला मुकुट तो नहीं? कारीगरी तो कमाल की है यार, पर वो करसन भाई ना थोड़े टेढ़े लगते हैं मुझे। पकड़े गए तो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसने भी आज तक इस मुकुट को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, असल में कभी भी नहीं देखा। वो मेरे नए नए ठग, इन सब मामलों में ना तेरे पप्पा हैं वो। करण यार तू डरता बहुत है, है? मैं? करण डरता है, इसको समझा यार। अभी तक हमने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन जब तक करसन भाई से नहीं मिलते ये मुकुट हमारे पास रहेगा। हमारे सिमरन, नो प्रॉब्लम। अरे आओ 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 आओ, बैसो बैसो। थैंक यू कसम। नमस्कार, बैसो। अरे क्या पियोगे, क्या पियोगे? आओ, वोडका पियोगे? थैंक यू कसम भाई, मैं शराब नहीं पीता। अरे शुरू में ना बोल दिया तो दोस्ती क्या निभाओगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ड्रिंक है। मैडम अभी आप ना नहीं बोलना वरना मारो दिल टूटी रागे। छोटा ड्रिंक बनाता मैडम आपके लिए भी। आपके दिल का तो कुछ पता नहीं, पर मैं तो कुछ भी कुछ ठंडा पिएगी, यही बोलना चाह रही हो ना तुम? हाँ? जय श्री कृष्णा। कमाल की केमिस्ट्री आप दोनों की। कमाल की। धंधे की कुछ बात करें, मुकुट का है। अच्छा। बहुत कुछ होता है। क्या हुआ? मुकुट मैंने वो। सिमी तुम भी ना यार। करसन भाई अब क्या बताऊं मैं आपको। पता नहीं कहाँ रहता है इसका दिमाग आजकल। इतने बैग्स खरीद के दिए हैं, कंफ्यूज हो जाती है बेचारी, घर पे बुलाइए। जितनी दिवाली तुमने नहीं देखी उतने पटाखे मैंने फोड़े हैं। करसन भाई को उल्लू बनाता है, धंधे में कितने साल हो गए, अब तो हम धंधे का काला हो गए हैं। क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा मुकुट उसको चुराया और लाने के लिए भूल गए। किसको उल्लू बना रहा है? कल सुबह तक का टाइम देता हूं, मुकुट लेकर आओ नहीं तो डील कैंसिल। अबे जाओ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टारप्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टारप्लस यूट्यूब पेज को।